बनी में कवरेज करने के लिए आए हुए थे, तो बनी का एक काफ़ी मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा आए थे और सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं कि बनी के पूर्व सरपंच राम सिंह सारन को रास्ते अलग अलग करने की बात जो है वो कही गई है, तो उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सरपंच साहब, अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा आए थे, आपके काफ़ी अच्छे रिलेशन उनके साथ बताए जा रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से। इस बार चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पर क्लिपें आ रही हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने आपसे रास्ते अलग कर लिए हैं, क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहिए? देखिए जी, वो हमारा रिलेशनशिप भाईचारे का रिलेशनशिप है। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन कभी रिश्ते अलग नहीं होते। पार्टियां अलग हो सकती है, चुनाव के टाइम मत अलग हो सकता है, लेकिन रिश्ते जो होते हैं वो कभी अलग नहीं होते जी। हमारा जो भाई साहब आए थे, उन मैं भाईचारे के नाते उनसे मिला था और उन्होंने भी अपना जो था प्यार था कि मैं इनको कहूं कि आप इधर आओ। जिसके साथ अपना मोह प्यार ज़्यादा होता है वो उसको ही कहे, दबाव डाल के कहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है जी। हमने भाई साहब को बता दिया कि हम चोई साहब के साथ खड़े हैं, उन्होंने फ़ोन किया, वहाँ बुलाया, कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, बुलाएंगे, हम जाएंगे, पर जो मत है और जो हमारा सपोर्ट है वो चौधरी साहब को है। ठीक है, नहीं रास्ते अलग करने की बात कही थी कि अपने रास्ते अलग अलग हैं, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ जी, वो भाई साहब ने यही कहा था कि अगर आप इधर आए, अगर नहीं आते हैं तो हमारे रास्ते अलग है। तो एक जो दिल में जो प्यार होता है वो तो रहेगा जी, और आज भी है, आगे भी उनके प्रति जो हमारा मान सम्मान रहेगा और उनका भी कहीं ना कहीं रहेगा। एक बार ये होता है कि चुनाव है, चुनाव में यही होता है ना जी कि जो जिसका ज़्यादा क्लोज होता है वो उस पर उतना ही प्रेशर डालता है कि भाई तू इधर आ, मेरे कहने से इधर आ। लेकिन हमारा, हमने साहब को कहा था कि हम ना तो चौधरी साहब के गद्दारी करेंगे ना आपसे करेंगे, आपकी पार्टी में जिस दिन आएंगे चौधरी साहब आएंगे, हम आएंगे तो फिर डट के ही रहेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बार बार यही कहते हैं कि रास्ते अलग होंगे, रिश्ते अलग नहीं होंगे जी। क्योंकि वो वीडियो जो मैंने देखा था तो उसमें इतना सा आया था कि तेरे मेरे रास्ते अलग अलग हैं, इतना सा उसमें बोला हुआ था। उससे पहले भी कुछ बोला था इसको लेकर? जी जी, वो क्या है कि हमारे गांव में जैसे होता है जी, पार्टीबाजी है, शरारती तत्व होते हैं, वो बोल देते हैं। उन्होंने एडिटिंग करके सिर्फ वो लास्ट वाले शब्द कहे। पहले भाई साहब ने यही कहा था कि राम सिंह तू मेरा भाई है, मेरे मन में तेरे लिए कुछ नहीं है, तू भी मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, अगर तू मेरा भाई है तो तू इधर आ। मैंने कहा जी भाई साहब हम चौधरी साहब के साथ हैं, हम नहीं आ सकते, हम मन से आपके साथ हैं लेकिन जो मत है वो हम नहीं दे सकते। तो उन्होंने यही कहा भी अगर आप मेरे साथ नहीं आओगे तो हमारे रास्ते अलग होंगे। तो हमें यही भाई साहब को भी कहा था और अब भी कहते हैं कि रास्ते अलग हैं, रिश्ते अलग नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि अब रास्ते अलग हो चुके हैं, रिश्ते वही पड़े हैं। जी बिल्कुल जी, रिश्ते कभी नहीं बदल सकते। चुनावी टाइम होता है तो उसमें हर कोई चाहता है कि ये मेरी तरफ आए, लेकिन हमारा ये उसूल है जी, हमारा जो गांव का भी ये उसूल है कि हम जिसके साथ खड़े हैं फिर खड़े हैं जी। रिश्ते अलग, बात ही अलग है वो रिश्तों की। जो राजनीतिक बात करते हैं या और करते हैं तो हम आज चौधरी साहब साथ के डट के खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे जी। तो चौधरी साहब के लिए कितनी मेहनत गांव के अंदर जो है वो आप लोग कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? वो माहौल आप लगातार दो तीन दिन से प्रोग्राम चल रहे हैं आप देख ही रहे हैं जी। हम सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक डोर टू डोर करते हैं, फिर लोगों से मिलने का काम करते हैं, रात को देर रात्रि तक, कल भी 3-4 मीटिंगें हुई हर हर समाज की अलग अलग, मैं रात को लगभग 11 बजे घर आया। और ये हम बनी में ही नहीं जी, हमारे जो आस पड़ोस के गांव हैं, हमारे रिश्तेदारियां हैं, भाईचारा है, वहां हम जाके तन मन और धन से चौधरी साहब के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि चौधरी साहब ने काम किए हैं, चौधरी साहब ने प्यार मोहब्बत किया है हमसे, तो हम उनका कर्ज उतारने का उनका टाइम है, वो उस पर हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो कितने काम चौधरी साहब ने यहाँ पे किए? देखिए चौधरी साहब ने अगर लिस्ट गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन 2-3 मेन काम होते हैं जी। जैसे अगर पुण्य की काम करें तो गौशाला में जितना रुपया चौधरी साहब ने दिया है ना ही किसी ने दिया और ना ही कोई देगा। दूसरा है स्वास्थ्य की बात करें तो PSC बनाया, उसमें हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएँ करवाई। तीसरा नहरी वाटर वर्क का करवाया। चौथा स्पोर्ट्स में तो चौधरी साहब ने हमारे क्लब को खुल के रुपये दिए, ओपन जिम दी, स्टेडियम दिया, स्टेडियम में काम करवाए, क्लब को भी अगर कोई टूर्नामेंट हुआ है हर टाइम जितने पैसे क्लब ने मांगे अभी उतने पैसे मिले हैं। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो वो पूरा वीडियो देखिएगा जो सरपंच साहब ने बताया है कि पूरा वीडियो क्या था, भाई बता रहे हैं तो वो पूरा वीडियो क्या है वो भी देखिएगा। तेरा है, मैं साथ हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे को अपना भाई मानता हूँ, तेरा फैसला तेरा है।
मैं भाई मानता हूँ, तू भाई मानता, आगे साथ। और अगर भाई चांस तेरे मन में दूसरी बात है, मेरे को तेरे से कोई द्वेष नहीं, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता।